सिलाई वाली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आई हूँ बिगनर लोग जो है उनके लिए, नए लोग जो सिलाई सीख रहे हैं या सिलाई कर रहे हैं उनके लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे करें, परफेक्ट ब्लाउज नाप लेने का तरीका क्या है, खुद का ब्लाउज हम कैसे नापे। और बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बताऊंगी खुद के ब्लाउज का मेजरमेंट करने का। होता क्या है कि लोग अपने ब्लाउज का मेजरमेंट तो कर लेते हैं, ब्लाउज अपने नाप का बना लेते हैं, ब्लाउज पीछे से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है या ब्लाउज छोटा हो जाता है। तो हम अपने बॉडी का नाप क्या लें, कैसे अपने बॉडी को नापें। सबसे पहले बॉडी मेजरमेंट में हम पाँच चीज नापते हैं। पहला होता है हमारा ब्लाउज का लंबाई, जो सबसे मेन पॉइंट होता है ब्लाउज की लंबाई होती है। तो परफेक्ट ब्लाउज हम कितना रखें, आज हम वीडियो में बताएंगे कि कितने चेस्ट पे आप कितना ब्लाउज की लंबाई अच्छे तरीके से आप रख सकते हैं। दूसरा होता है चेस्ट, कितने आपको चेस्ट का नाप कैसे लेना है, बुस्ट पॉइंट कौन सा है। तीसरा होता है गला, और चौथा होता है आर्म होल, और पांचवा होता है बाजू। हम कैसे अपने ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग दे सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे पांच चीज आपको सबसे पहले कॉपी पे नोट कर लेना है, अपने ब्लाउज की लंबाई, दूसरा चेस्ट, तीसरा आपको शोल्डर, शोल्डर का नाप कितना रखना है, पांचवा गला, और उसके बाद आपको आर्म होल की नाप ले लेनी है कितनी रखनी है, बाजू की लंबाई रखनी है, बाजू की मोटाई रखनी है, बाजू आपको अपने हिसाब से रखना है, फ्रंट नेक का नाप रखनी है। टोटल मैं आपको वीडियो बताऊंगी कैसे कैसे नापना है, आपको कैसे लिखना है। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो अपने YouTube चैनल पे, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम खुद की बॉडी जब नापना होगा तो सबसे पहले हम बैक साइड से खुद की बॉडी का मेजरमेंट नहीं करते। अगर कस्टमर का या दूसरे लोग का हमें मेजरमेंट करना होता है, ब्लाउज का नाप लेना होता है, तो हम पीछे से ब्लाउज की लंबाई नापते हैं। लेकिन अगर खुद का ब्लाउज की लंबाई लेनी हो तो हम फ्रंट साइड से ब्लाउज की लंबाई रखते हैं। सबसे पहले आपको लंबाई लेने के लिए क्या करना होगा, इंच टेप आप जो भी है, सबसे ऊपर वाला जो नंबर होता है वन साइड, आपको मेन शोल्डर की जो पॉइंट होती है, जहां हमारे शोल्डर की सिलाई होती है किसी भी कपड़े पे, वहां पे आपको रखना है यहां पे, और इंच टेप को खींचते हुए नीचे की तरफ लाना है। यानी आपके चेस्ट का बूस्ट पॉइंट ये है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा बूस्ट पॉइंट है 11 इंच, चेस्ट है हमारा 40, बूस्ट पॉइंट 11 है, 36 पे अलग बूस्ट पॉइंट होता है, 40 पर अलग बूस्ट पॉइंट होता है, 32 पर अलग बूस्ट पॉइंट होता है। तो ये आपको पहले ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम आपको क्या करेंगे, ब्लाउज देखिए ऐसे इंच टेप को लंबा खींचते हुए चेस्ट से 2 इंच नीचे आपको लंबाई का नाप लेना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर यहाँ करेंगे तो ब्लाउज चढ़ जाएगा, यहाँ पे आपको वेस्ट नाप लेना है। यहाँ पे हम देख लेंगे कितना इंच का ब्लाउज आ रहा है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 16 इंच की ब्लाउज की लंबाई है। तो हम अपने ब्लाउज की लंबाई, फ्रंट का हमारा 16 आ रहा है, तो हम बैक साइड का पार्ट रखेंगे 15 इंच का और फ्रंट का पार्ट रखेंगे सारे 16 इंच का। जब भी हम ब्लाउज लेंगे तो 16 इंच हमारे आगे का आ रहा है, तो हम ब्लाउज की लंबाई रखेंगे तो टोटल 15 इंच की पीछे का पार्ट रखेंगे और उससे 1.5 इंच आगे आपका आगे का पार्ट रहेगा, सारे 16 इंच। उसके बाद क्या नाप लेना है, चेस्ट का। चेस्ट का नाप कहाँ से लेना है, इंच टेप को पीछे से ले जाइए, उसके बाद जो चेस्ट है उसके बीचों बीच आपको इंच टेप को रखना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 39 हमारा चेस्ट का नाप है, बीचों बीच सेंटर से आपको रखना है 39 हमारा चेस्ट का पूरा परफेक्ट नाप आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी शोल्डर की नाप लेनी है। तीसरा आपको अपने शोल्डर का नाप लेना है, तो पीछे से इंच टेप को ले जाना है, यहाँ जहाँ पे शोल्डर हमारा ज्वाइंट है वहां से और यहाँ तक का हमें नाप लेना है। तो टोटल हम नाप ले लेंगे कितना है, 16 आ रहा है, टोटल हमारा शोल्डर 16 इंच का है। उसके बाद हम क्या करें, बैक का नाप लेंगे। तो बैक आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, मैक्सिमम आप बैक जो पीछे का गला है वो 10 इंच, 9 इंच, 11 या अपने हिसाब से जितना पहनती हो। फ्रंट का नाप लेने के लिए आपको यहाँ पे इंच टेप को रखना है, इंच टेप को ऐसे हल्का सा तिरछा खींचना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा आ रहा है टोटल 8 इंच। 8 इंच मेरा फ्रंट में पहनती हूँ, आप जितने इंच पे पहने 7 इंच मैक्सिमम आप आगे के गले की लंबाई रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बाजू का हिसाब रखना है, बाजू आपको अपने हिसाब से रखना है। तो बाजू की नाप लेने के लिए आप अपने गले फेस के सहारे से इंच टेप को पकड़िएगा, बालू जितने इंच का बाजू हो 9, 10, 11, 12 उतने इंच पे आपको इंच टेप पकड़ लेना है। यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है, तो बाजू की लंबाई टोटल हमारी आ रही है 13 इंच। उसके बाद हम बाजू की मोटाई रखेंगे,
13 फिर 14 मेरी बाजू की मोटाई आ रही है, मतलब ये 14 इंच का है और ये बाजू की लंबाई टोटल मेरा आपका 13 इंच का है। उसके बाद हमें क्या करना है, पेटी, नीचे पेटी का नाप लेना है, कमर की पेटी जो होती है उसकी नाप लेनी है। 3 टेप को यहाँ रखना है और मेन फिटिंग देखते हुए जहाँ पर हमने ब्लाउज का नाप रखा था यहाँ पे वहाँ से हम अपने पेटी को नाप लेंगे। यहाँ पे हमारी पेटी है तो पेटी मेरी है 31 इंच, तो 39 का हमारा चेस्ट है, 31 पेटी है, शोल्डर है हमारा, टोटल जो शोल्डर है वो हमारा है 14 इंच का, गला आगे का 7 इंच, पीछे का गला आपको 10 इंच रखना है। पेटी आपका जितना हो उस नाप से रखना है। मैं स्क्रीन पे आपको शो कर देती हूँ कि कैसे आपको मेजरमेंट करना है। सबसे पहले आपको ब्लाउज की लंबाई रखनी है, उसके बाद आपको चेस्ट का नाप रखना है, उसके बाद बाजू की नाप रख के बाजू की मोटाई रखनी है, पीछे के गले का नाप लेना है, आगे का गले का नाप लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, कमर की पेटी कितने इंच की है और फ्रंट नेक कितना लेना है, ये सब आपको टोटल मेजरमेंट लिख देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस साइज के चेस्ट पे कितने इंच का ब्लाउज लेना चाहिए। अगर आपका 32 इंच का चेस्ट है तो आप ब्लाउज की लंबाई ले सकती हैं 13 इंच का, 32 से 34 इंच के ब्लाउज पे हम 13 इंच के ब्लाउज की लंबाई ले सकते हैं, 34 से 38 इंच के ब्लाउज पे हम 14 इंच के ब्लाउज की लंबाई लेते हैं, फ्रंट का 15.5 लेते हैं, 38 से 40 के ऊपर जो भी हमारा ब्लाउज होता है वो हम लेते हैं 15 से 17 इंच पे, क्योंकि जैसे ही चेस्ट हमारा बढ़ता है, चेस्ट हैवी होता है, बॉडी की चौड़ाई बढ़ती है तो ब्लाउज ऊपर की तरफ तनता है। तो बहुत ही ईजी मैंने आपको आज बॉडी मेजरमेंट करना बताया कि खुद की बॉडी की मेजरमेंट कैसे करनी है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे बॉडी की मेजरमेंट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ब्लाउज की टोटल कटिंग करके अपने बॉडी की मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करके दिखाएंगे। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।